जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। आपका पहला सवाल है, कौन सा जानवर रेगिस्तान में नहीं चल सकता है? आपका ऑप्शन है ए ऊंट, बी बकरी, सी जिराफ, डी मगरमच्छ। आपका सही जवाब होगा डी मगरमच्छ। आपका दूसरा सवाल है, सांप लगातार कितने सालों तक सो सकता है? आपका ऑप्शन है ए 5 साल, बी 4 साल, सी 3 साल, डी 2 साल। आपका सही जवाब होगा सी 3 साल। आपका तीसरा सवाल है, आंखों के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए संतरा, बी सेब, सी केला, डी पपीता। आपका सही जवाब होगा ए संतरा। आपका चौथा सवाल है, साबुन बनाने में तेल के साथ क्या मिलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए पाउडर, बी दूध, सी आटा, डी कास्टिक सोडा। आपका सही जवाब होगा डी कास्टिक सोडा। आपका पांचवा सवाल है, कौन सा जानवर सूरज को नहीं देख सकता है? आपका ऑप्शन है ए सुअर, डॉट, बी जिराफ, सी घोड़ा, डी बंदर। आपका सही जवाब होगा ए सुअर। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 4 सितंबर, डी 5 सितंबर। आपका सही जवाब होगा डी 5 सितंबर। आपका सातवां सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा, बी चित्रकला, सी सिनेमा, डी संस्कृति। आपका सही जवाब होगा सी सिनेमा। आपका आठवां सवाल है, हिंदी भाषा का पहला अखबार कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए दैनिक जागरण, बी सहारा, सी अमर उजाला, डी उदंत मार्तंड। आपका सही जवाब होगा डी उदंत मार्तंड। आपका अगला सवाल है 9, जनवरी गणमंच सर्वप्रथम बार कहाँ गाया गया था? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी महाराष्ट्र के, सी कलकत्ता में, डी गुजरात में। आपका सही जवाब होगा सी कलकत्ता में। आपका दसवां सवाल है, जल महल भारत के किस शहर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जयपुर, बी आगरा, सी उदयपुर, डी दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ए जयपुर। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए जीव रहने के कारण, बी ग्रह होने के कारण, सी जल के उपस्थिति के कारण, डी
इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी, जल की उपस्थिति के कारण। आपका अगला सवाल है 12। चूहे का मंदिर भारत के किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी स्पेस स्पेस डॉट बिहार, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा डी राजस्थान। आपका अगला सवाल है 13। किस देश ने एक फूल का नाम मोदी रखा है? आपका ऑप्शन है ए इजराइल देश ने, बी पाकिस्तान देश ने, सी भारत देश ने, डी अमेरिका देश ने। आपका सही जवाब होगा हे इजराइल देश ने। आपका अगला सवाल है 14। कौन सा जानवर पानी में रहता है मगर पानी नहीं पीता है? आपका ऑप्शन है हे मछली, बी मेंढक, सी सांप, डी केचुआ। आपका सही जवाब होगा बी मेंढक। आपका अगला सवाल है 15। समोसे का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी ईरान, डी पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा सी ईरान। रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी गुजरात, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा हे असम। आपका अगला सवाल है 17। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ेगा? आपका ऑप्शन है हे बढ़ेगा, बी घटेगा, सी वही रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी घटेगा। आपका अगला सवाल है 18। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए चुगली करना, बी बी बहुत बड़ा होना, सी ऊपर चढ़ना, डी असंभव कार्य करना। आपका सही जवाब होगा डी असंभव कार्य करना। आपका अगला सवाल है 19। नीला गुलाब कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी पोलैंड। आपका सही जवाब होगा सी जापान। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी बैडमिंटन। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।